पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 6 अक्टूबर को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से ट्विटर पर अपने ट्वीट के माध्यम से खुले तौर पर संत श्री आशाराम जी बापू का समर्थन किया है। डॉक्टर स्वामी लिखते हैं, क्योंकि आशाराम जी बापू के विषय में अभी तक अदालतों से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, इसीलिए अगर अदालत में उनकी जमानत याचिका पर उचित तर्क दिया जाए तो उनकी रिहाई संभव है। हम ईसाई मिशनरियों और मोदी के इस षड्यंत्र के कारण उन्हें अब और जेल में रहने नहीं दे सकते। उनके ऐसा लिखने पर एक ट्विटर यूजर ने उनको तंज कसते हुए कहा कि आप आशाराम बापू का समर्थन करते हैं तो जाकर उनका केस क्यों नहीं लड़ाते। इस पर डॉक्टर स्वामी लिखते हैं, मैंने एक बार आशाराम जी बापू के अनुरोध पर उनकी जमानत का मामला उठाया था। आदेश के लिए एक तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन आश्रम के वकीलों ने आशाराम जी बापू द्वारा हस्ताक्षर की गई एक और याचिका कोर्ट में पेश कर दी, जिसके द्वारा मेरी दलीलों का खंडन किया गया। एक दिन पहले ही कोर्ट में उनकी जमानत खारिज कर दी गई, इसीलिए तब से मैं आशाराम जी के लिए दोबारा पेश नहीं हुआ। जी हाँ, आप सभी ने एकदम सही सुना। आइए अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर स्वामी का वीडियो, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इसी बात का जिक्र किया है। उनका तंदुरुस्त किया है।